सो हे गाइस एंड वेलकम बैक यू टू अनदर वीडियो। सो गाइस आज की इस वीडियो हम लोग बेसिकली जा रहे हैं अपने पल्सर 150 का जो सेकंड पेड सर्विस होता है वो कराने के लिए। सो गाइस जैसा कि आपने पिछले वीडियो हम लोगों का दिखाई होगा कि जो हमारा पल्सर 150 है उसका जो फर्स्ट पेड सर्विस है वो कराया था हमने, और उसमें लगभग 1260 रुपये समथिंग खर्चा हो गया था और बहुत सारी चीज़ लगभग चेंज भी हुआ था। तो गाइस उसके बाद जो 20,000 वाला सर्विस होता है उसका रिकॉर्डिंग मैंने नहीं किया था और उसका वीडियो जो है मैंने नहीं बताया था, बट ये लास्ट वीडियो जिसके जो मैं पल्सर की सर्विस के ऊपर बना रहा हूँ। सो गाइस इस वाले सर्विस में ये मेजर सर्विस है और इसमें लगभग बहुत सारे काम होने वाले हैं, जैसे कि मैं अभी आपको अपनी गाड़ी की तरफ दिखाता हूँ। सो गाइस जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो अभी गाड़ी जो है वो चल गई है 25,154। सो गाइस गाड़ी 25,100 समथिंग चल गई है और गाड़ी में है अभी जो फिलहाल कार्बोरेटर से इसका जो है वो ऑयल वगैरह लीक कर रहा है यहाँ से। तो गाइस गाड़ी का जो कार्बोरेटर है वहाँ से जो ओवरफ्लो पाइप है वहाँ से इस गाड़ी का जो पेट्रोल है वो लीक कर रहा है यहाँ पे, ये देखो देखा। सो गाइस यहाँ से जो है पेट्रोल वगैरह वो लीक कर रहा है गाड़ी का और फिर इसके वजह से यहाँ पे पेट्रोल वगैरह को ऑफ करके रखना पड़ रहा है। फिर गाड़ी का जो रियर वाला जो चेन है वहाँ पर भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। गाइस जो चेन है वो खरखर कर रहा है और गाड़ी जो है थोड़ा सा बबलिंग मार रहा है, मतलब थोड़ा सा हिलडुल रहा है हाईवे वगैरह पे। अगली चीज़ की मैं बात करूँ तो गाइज़ यहाँ पे जो हैंडल है जब इसमें हार्ड ब्रेकिंग लेते हैं तो यहाँ पे थोड़ी सी खटखट की आवाज़ आ जाती है। सो गाइज़ उसके लिए मुझे लगता है रिसर वगैरह इसका खोल के चेक करेंगे, वो देखते हैं क्या क्या कुछ लगेगा नहीं लगेगा। गाइज़ बीच में इस गाड़ी का जो है जो फ्रंट का हेडलाइट होता है वो उसका जो अप वाला जो लाइट है वो थोड़ा सा ख़राब हो गया था, पर उसको ठीक करा लिया था। बाकी ब्रेक पैड वगैरह सब तो चेंज ही हो गए थे, मुझे नहीं लगता ब्रेक पैड चेंज कराने की ज़रूरत है। फिलहाल तो अभी खोलेंगे वहाँ पर तो फिर देखेंगे कि गाड़ी में और क्या कुछ चेंज होगा। सो गाइज़ अभी यही सब कुछ काम है जो हमें अपनी गाड़ियों में करानी है और अभी हम लोग जा रहे हैं फिलहाल सर्विस सेंटर पे और वहाँ पे हम लोगों ने ऑलरेडी टाइम वगैरह जो वो ले रखा है। सो गाइस देखते हैं कि वहाँ पे कितना देर लगता है गाड़ी की सर्विसिंग होने में और क्या कुछ जो वो गाड़ी में चेंज होता है। सो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे भी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक अपने इस भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो गाइस प्लीज़ यहाँ पे एक रेड कलर का बटन आ रहा है उसको प्रेस करके हो जाओ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, और गाइज़ प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मैं जब भी कोई लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपको फटाफट से पता चल जाए। सो गाइस ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट से चलते करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। सो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं और एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि गाइस आज का जो वीडियो है वो थोड़ा सा स्पेशल है, वो इसलिए क्योंकि मैं पहली बार अपने जो गोप्रो है उससे वो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो गाइस प्लीज़ आप लोग बताना कि आवाज़ की जो क्वालिटी है और जो वीडियो क्वालिटी है वो किस टाइप से आ रही है। सो गाइस उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो चलो फटाफट से करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सो गाइस जैसा कि देख सकते हो तुम लोग कि यहाँ पर पूरी गाड़ी खुल चुकी है, तो गाइज अभी हम लोग यहाँ पे जो बजाज का ऑयल है वो नहीं डलवा रहे हैं, यहाँ पे मोटर का जो 40 और ऑयल है वो डलवा रहे हैं। हाँ बोल दिए उनको, और यहाँ पे जो स्टेयरिंग का जो बॉल एंड बेयरिंग होता है वो चेंज करा रहे हैं। तो यार यहाँ पे पहले वाला जो एयर फिल्टर वो देख सकते हो पूरा गंदा हो गया है, तो इसको साफ़ नहीं कर रहे हैं, इसको बदल दे रहे हैं हम लोग। और ये नया वाला ये देख सकते हो आप लोग, इसका वो नहीं खराब हुआ है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, रेसर नहीं खराब हुआ है, सब ठीक है। क्या इसका पीछे वाली बदलवाए थे हम, हाँ बेयरिंग तो ना। तो यहाँ पे क्योंकि हर बार यही होता फ़ायदा, जब आप लोग बार बार कराओगे सर्विसिंग तो बेयरिंग वगैरह अगर चेंज कराते रहोगे तो रेसर खराब नहीं होगा, वरना फिर रेसर चेंज कराना पड़ जाता है। खर्चा है गाड़ी में कम होगा, कम होगा, कम होगा। ये वाला जो पल्सर है वो हर बार प्रॉपर सर्विस हुआ है, कभी भी आज तक सर्विस वगैरह ड्यू नहीं है इसका, तो इस वजह से ज़्यादा पार्ट वगैरह वो ख़राब नहीं होता है। सो गाइस यहाँ पे देख सकते हो कि जो बॉल एंड बेयरिंग वगैरह है वो लग चुका है और अभी भैया यहाँ पे फिट कर रहे हैं जो हैंडल का जो मेन कॉम्पोनेंट होता है वो। यार
यहाँ आप देख सकते हो कि सारा इंजन ऑयल जो है वो ड्रेन हो चुका है। अभी ये वाला जो इधर बजाज का मोबिल नहीं डलवा रहे, इधर मोटू का जो इंजन ऑयल है वो डलवा रहे हैं हम लोग। तो यहाँ से चेन सॉकेट का लाइफ जो है वो थोड़ा बहुत और बचा हुआ है, इसको कुछ दिन और चलाने वाले हैं हम लोग। बाकी का जो गाड़ी कंडीशन है वो आप लोग देख सकते हो। सो हेलो गाइस, और ये हो गई है अगले दिन की सुबह, और उस दिन को मैं वीडियो को एंड नहीं कर पाया था। सो गाइस, अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इस गाड़ी में जो कुछ भी मैंने सर्विसिंग में कल जो मेरा प्रॉब्लम था इस गाड़ी में वो रिजॉल्व हुआ है या नहीं हुआ है। सो गाइस, मैं अभी आपको गाड़ी को कंप्लीट दिखाऊंगा कि इस गाड़ी में और कितना खर्चा है, ये भी गाइस मैं बताऊंगा साथ ही साथ आपको। सो गाइस, उसके लिए पक्का बिल तो उन्होंने नहीं दिया गाइस, ये मुझे थोड़ा सा एक ऑड लगा, क्योंकि पिछली बार जब मैं गया था तो वहाँ पर उन्होंने पक्का बिल दिया था जब 1260 रुपये का बिल आया था, आपने देखा होगा मेरी पिछली वाली वीडियो में। सो गाइस, ये वाला बिल दिया है, वो कच्चा बिल जिसको कहते हैं, वो वाला बिल गाइस इन्होंने दिया है। सो गाइस, स्विच करते हैं फिलहाल गाड़ी के ऊपर। सो गाइस, गाड़ी को दिखाने से पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये देखिए हमारे जो छोटे अन्ना शेर हैं, सो इनको बाइक से बहुत ज़्यादा प्यार है, और कहीं पर भी जाता हूँ तो ये बाइक को अकेला नहीं छोड़ता है। सो गाइस, चलो मैं बात करते फिलहाल कि हम लोगों ने गाड़ी में क्या क्या कराया था। सो गाइस, इंजन ऑयल जो था वो मैंने आपको जैसा कि दिखाया था कि मोटर का बदलवाया था, इंजन ऑयल बदलाया था और एयर फिल्टर वगैरह बदला दिया था, जितनी भी रिक्वायरमेंट सर्विसेज थी वो सारी चीज़ करा दी गए हैं। और जो इस गाड़ी का जो ब्रेक पैड वगैरह था वो अभी करेंटली काम कर रहे थे और ख़राब नहीं हुए थे, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने चेंज कराया था। फ्रंट का जो डिस्क ब्रेक का जो पैड होता है वो भी सही सलामत है, अभी नहीं घिसा है। हैंडल की जो नॉइज़ थी जैसा कि मैंने आपको बताया था, सो गाइज़ हैंडल वाला जो नॉइज़ है वो अभी कम्प्लीटली ख़त्म हो चुका है, कहीं से भी आवाज़ नहीं आ रही है। सो गाइज, नेक्स्ट प्रॉब्लम था जो मेरा कि वो गाड़ी थोड़ी सी बबलिंग मार रही थी। सो गाइज, आप लोग जैसा कि देख सकते हो अभी जो गाड़ी का जो व्हील है वो बिल्कुल प्रॉपर पोजीशन पे है, और जो गाड़ी है वो मैंने चला के देखा स्पीड में भी, पर कहीं पे भी वो गाड़ी जरा सा भी इधर उधर नहीं हिल डुल रही है, मतलब बिल्कुल सही है। सो गाइज, अब हम लोग बात करते हैं कि इस गाड़ी में खर्चा कितना आया। सो गाइज, आप लोग करेंटली बिल देख लो। सो गाइज, जो टोटल खर्चा आया था वो आया था 940 रुपये का, जिसमें कि मोबिल बदलाया था 435 रुपये का, एयर फिल्टर जो है वो 110 रुपये का, और ये जो है वो हैंडल का जो बॉल एंड बेयरिंग होता है वो चेंज हुआ था। सो गाइस, उसका प्राइस पड़ा था 48 रुपीज़ का, क्योंकि जो फ्रंट वाला होता है यहाँ पे इस साइड का और जो नीचे साइड का दोनों साइड का ही चेंज हुआ था। सो गाइस, इसके बाद फिर लेबर चार्ज गाइस मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है 400 रुपीज़, क्योंकि लास्ट टाइम लगा था 300 और उस समय पर इससे ज़्यादा मेरी जो गाड़ी में काम हुआ था, सो ये थोड़ा सा ऑफकोर्स मुझे ज़्यादा लग रहा है। अब मैं बात करता हूँ जो कार्बोरेटर का जो ऑयल था वो लीक कर रहा था, तो वो अभी कर रहा है नहीं कर रहा है। सो देखो यहाँ पे गाइस देख लो, अभी भी मैं अभी ये चीज़ देख पा रहा हूँ कि जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि जो कार्बोरेटर का जो पाइप होता है वो इसमें नहीं लगा हुआ है, उन्होंने निकाल दिया है, तो इसको मैं अभी जा करके लगवाने वाला हूँ। और बाकी ऐसे पेट्रोल वगैरह तो लीक नहीं कर रही है शायद। सो गाइस, अभी भी थोड़ी बहुत तो लीक कर ही रही, ज़्यादा लीक नहीं कर रही, बस थोड़ी बहुत लीक कर रही है अभी भी। सो गाइस, इस चीज़ को मैं अभी तुरंत जा करके इसे ठीक करवाने वाला हूँ, और ऑयल भी लीक कर रही है पता नहीं किस लिए। सो गाइस, ये था हमारा कुछ प्रॉब्लम। माइलेज वगैरह किस तरीके का है, बढ़ा या नहीं बढ़ा है, वो तो मैं आपको आगे बता ही दूंगा। फिलहाल गाड़ी का जो RPM है उन्होंने थोड़ा सा कम कर दिया, मे बी शायद, मैं स्टार्ट कर दिखाता हूँ। ये देखो गाइस, पहले ये थोड़ा सा और अप हुआ करती थी, लगभग 1500 RPM पे ये सेट थी, अभी 1000 पे सेट कर दी गई है, ताकि गाड़ी जो है वो बेटर फ्यूल एफिशिएंसी दे पाए। गाड़ी का जो साउंड है वो गाइस आप लोग सुन सकते होगे, बहुत ही डिसेंट साउंड है, क्योंकि गाड़ी जो है वो प्रॉपर टाइमली सर्विस हुई है आज तक, हर बार जितनी बार भी सर्विस हुई है। सो अभी जितनी भी चीज़ एक दो चीज़ें जो मिस हो गई है, मैं कोशिश करूँगा कि अभी जो पक्की वाली बिल है वो भी ले लूँ, और जो उसका वो जो ऑयल का प्रॉब्लम वो उसे सॉल्व करा लूँ। सो गाइज़, यही था हमारा आज का छोटा सा वीडियो। इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि गाड़ी में जो है वो कितना सर्विस में जो खर्चा है वो आता है। सो गाइज़, ये वाला जो सर्विस था वो गाइज़ इस गाड़ी का 6th पेड सर्विस था, 5th वाला का मैंने वीडियो नहीं बनाया था। सो उम्मीद आपको वीडियो अच्छा लगा गाइज़, अगर वीडियो अच्छा लग जाए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर देना, और किसी तरह के कमेंट के लिए जो इंप्रूवमेंट होता है उसके लिए आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो। सो गाइज़, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, टिल देन बाय।